हेलो बच्चों, आई एम नीलांचल फ्रॉम द ENC और आज के सेशन में एक बहुत ही स्मॉल टाइप के प्लांट के बारे में आपको डिस्कशन करने जा रहे हैं और इसके बारे में बताने जा रहे हैं। ये जो प्लांट आपको सामने दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं राउंड ग्रेप्स। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही मिनी स्मॉल प्लांट है। इसमें देखिए छोटे छोटे फल भी लगे हुए हैं। ये फल जस्ट लाइक इसको हिंदी में आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसको मक्को कहते हैं, लेकिन मक्को का ही है, लेकिन ये वाइल्ड प्लांट है, जंगली प्लांट है। और इसमें जो फल लगे हुए हैं वो बहुत ही छोटे छोटे लगे हुए हैं। मक्को के प्लांट में देखिए कुछ छोटे छोटे फल होते हैं, जैसा कि हमारे टूल गाइडर आपको दिखा रहे हैं मिस्टर शिवम कैसे होते हैं मक्को प्लांट के फल। ये देखिए मिनी स्मॉल छोटे छोटे हैं और ये छोटे छोटे प्लांट हैं, छोटे छोटे प्लांट के फल हैं ये, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये मक्को की प्रजाति है, मक्को और भी है, मक्को गार्डन ही ये है, वास्तव में ये मक्को गार्डन ही है। और मक्को गार्डन में देखिए कितनी सारी घास के साथ साथ कुछ झाड़ियाँ भी हैं और ये छोटे छोटे मक्को का प्लांट। अब हमारे माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग पहुँच गए हैं बोड़ा गार्डन, जिसको लॉन्ग बीन्स बोलते हैं। लॉन्ग बीन्स में ये देखिए किस टाइप के प्लांट है। ये जो है बोड़ा का प्लांट है और ये बोड़ा प्लांट में जो है जैसा कि देख पा रहे होंगे इसका पत्ता बहुत ही स्मॉल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इसमें जो है इसका फल जो है बहुत लंबा लगता है। ये देख पा रहे होंगे ये इसका फ्लावर है, बहुत ही खूबसूरत ढंग का है। और आप कमेंट में बताएं कौन कौन ये प्लांट को देखा है। अब देखिए, अब जो है कुछ मैग्नेटिक टाइप का ट्री आपको दिखाने जा रहे हैं। ये मैग्नेटिक टाइप का ट्री है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये प्लांट जो है खास करके जो है एनिमल्स के बॉडी में स्टिक करने के काम में आता है। और ये वाइल्ड प्लांट है, जंगली प्लांट है। और इसका ये देखिए इसका सीड है, इस प्लांट का जो सीड होता है वो देख पा रहे होंगे आप कैमरे में। ये सीड जो होता है बहुत ही स्टिकी होता है, प्लस इसमें कांटे बने हुए होते हैं। ये कांटा जो है बहुत ही शार्प होता है और यदि यहाँ पे कोई एनिमल्स इस गार्डन में घुसता है तो उसके बॉडी में क्या होता है, स्टिक हो जाता है, मतलब चिपक जाता है। और चिपकने के बाद एनिमल्स जिस प्लेस पे जाएगा, पहुँचेगा, वहाँ पर क्या होता है, वॉश करने के बाद जो है वहाँ पे नया टाइप का प्लांट उग जाता है। तो इस तरह से इसका क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। और इसमें देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे सीड जो हैं इसके ड्राई हो चुके हैं, क्योंकि ये अपने फल को जो है पूरी तरह से पका चुके हैं। इस प्लांट का नाम क्या है आप कमेंट में बताएं, नॉन स्टिकी या स्टिकी, आप जो भी हो लिख के बताएं। ये देखिए मैंगो ट्री आप लोग देखिए, और भी नए टाइप के हैं। आम, ये जरदालू आम का ट्री है। ये देखिए कंजली आम है। और इस ट्री का खासियत है कि इसका फल बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन स्वाद लाजवाब। अब जो है हम लोग भिंडी के गार्डन में आ चुके हैं। भिंडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं कमेंट में लिख के बताएं। ऐसे हमको जहाँ तक पता है वो होता है लेडीज़ फिंगर। और लेडीज़ फिंगर में ये देखिए भिंडी का प्लांट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। भिंडी के फल को डायरेक्ट हाथ से नहीं छुआ जाता है, इसलिए नहीं छुआ जाता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे कटीले होते हैं। और ये कटीले यदि आपके हाथ में चुभ जाएंगे तो इससे जो है इन्फेक्शन होता है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट हाथ से नहीं छू सकते हैं। ठीक है, कुछ आगे के प्लांट में फल लगे हुए हैं लेडीज़ फिंगर का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो आज के सेशन में हमारे साथ घूमने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मिस्टर शिवशंकर को भी अब आदेश दिया जाए। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में यहीं पे इसको समाप्त किया जाए और नेक्स्ट सेशन में आपको एक नई चीज़ों के साथ विजिट करेंगे हम लोग साथ में, कि क्या बताना चाह रहे हैं और आप क्या समझना पा रहे हैं। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल आपको ब्यूटीफुल लगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।